सो वॉट गाइज दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल विस चैनल तो guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने चोरी हुए आई फोन थर्टीन की क्या वो थर्टीन आईफोन मुझे मिला या नहीं मिला एंड यहाँ पर मेरे पास किस तरीके से इंस्टाग्राम पर लोगों की क्वेरीज आ रही थी बहुत सारे लोगों के आईफोन थर्टीन चोरी हो रहे हैं एंड उनके पास फिशिंग अटैक के लिए लिंक भी आ रहा है तो क्या मेरा आईफोन मिला या नहीं मिला एंड मैंने कितनी कोशिश करी उसको ढूंढने की एंड उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं दी उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि भाई आपके फ़ोन का क्या हुआ मिला या नहीं मिला अब कि आप किस फ़ोन से शूट करते हैं सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं मैंने ऑलरेडी इस आईफोन चोरी के दो पार्ट बना रखे हैं जिसमें मैंने फिशिंग अटैक के बारे में बताया था उसमें मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दी थी अपनी जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा स्कैम बता देता हूं आज के ज़माने में एंड ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है पाकिस्तान में से भी मेरे पास मैसेज आए हैं कि हमारे साथ भी यही सेम सीन हो रहा है आईफोन चोरी होता है एंड उसके बाद फिशिंग अटैक किया जाता है मैं आपको सारी बातें बताता हूँ तो यहाँ पर अब की बार जो है चोर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं एंड कोई सिंगल बंदा नहीं है ये पूरी की पूरी गैंग है पूरा का पूरा रैकेट है जो ये आईफोन्स को चोरी करते हैं एंड एक प्रोसीजर के थ्रू निकालते हैं एंड उसके लॉक को तोड़ते हैं जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आईफोन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है तो इसका आई क्लाउड लॉक को बाईपास करना तोड़ना इम्पॉसिबल है तकरीबन आज के जमाने में क्योंकि अगर पॉसिबल है भी तो बहुत ज्यादा पेचीदा मामला बाईपास करने का तरीका यह है कि अगर आपके पास आई क्लाउड आईडी और पासवर्ड मिल जाए किसी तरीके से उस बंदे के तो आप आई क्लाउड आईडी और पासवर्ड डाल के उसको हटा सकते हैं ठीक है ये तो सबको पता है कि भाई आई क्लाउड आईडी और पासवर्ड किसी को पता होगा तो वो कोई सा भी लॉक हटा सकता है किसी भी आईडी मतलब किसी का भी आईडी पासवर्ड पता होगा तो अब चोर क्या करते हैं मेरा जो आईफोन थर्टीन चोर ने चुराया था तो उसके तीन दिन बाद मुझे एक फिशिंग मैसेज आता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मेल आ रहे थे एप्पल सपोर्ट की तरफ से कि आपका आईफोन यहां मिला है यहां मिला है यहां मिला है एंड मैं पुलिस के साथ भी गया था ठीक है एंड मेरे पास एक फिशिंग मैसेज आता है जिसमें बोला जाता है कि आपका आईफोन ऑन हुआ है एंड आपको उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए अब ये मैसेज मेरे पास ही नहीं बहुत सारे लोगों पे आता है मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस हैं कि भाई हमारे पास भी सेम मैसेज आया था एंड किसी किसी पे तो व्हाट्सएप मैसेज आता है एंड बोला जाता है कि आपको दो हजार रुपये देने हैं एंड आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी तो इस तरीके के भी फिशिंग अटैक होते हैं मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करते हैं मान लीजिए किसी एक चोर ने फोन चुराया वो क्या करता है सिम नहीं फेंकेगा वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देगा ठीक है एंड उसको ये बताया जाता है कि सिम नहीं फेंकनी तो वो फ़ोन लेके जाएगा अपने हेड के पास है जिसके पास उस सिम में से वो आपका नंबर निकालते हैं एंड वो नंबर से आपको कांटेक्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो एकदम से कांटेक्ट नहीं करेंगे आपको तीन दिन चार दिन बाद कांटेक्ट करेंगे फोन चोरी होने के जैसा कि मेरे साथ हुआ था एंड वो आपको फिर एक झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपका फोन यहाँ ओपन हुआ है अगर आपको देखना है तो लिंक पे क्लिक करो एंड लिंक पे क्लिक करते ही आपको आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है एंड वो जो ऑप्शन है एकदम एग्जैक्टली exactly एप्पल की साइड जैसा ही लगता है जैसे ही आप उस पर आई पासवर्ड डालोगे आपका आईफोन की ट्रैकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा एंड आपका आई क्लाउड आई पासवर्ड उन हैकरों के पास चला जाएगा जिससे क्या होगा कि आपका आईफोन अनलॉक हो जाएगा बेसिकली और एक स्टेप और आगे जा चुके हैं ये आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो हो सकता है आपसे आपके स्क्रीन का पासवर्ड भी मांग लेते हैं मेरे पास एक मैसेज आया और जिसमें उसने बताया कि मेरे से सर स्क्रीन का पासवर्ड मांगा था कि आपके आईफोन के स्क्रीन का पासवर्ड क्या है अटैक में लिंक पे प्लस उस स्क्रीन के पासवर्ड के बाद आई क्लाउड आईडी पासवर्ड भी मांग लिया तो मतलब अगर स्क्रीन का पासवर्ड मिल गया तो फ़ोन भी खोल लिया प्लस आईडी पासवर्ड भी ले लिया तो इस तरीके की अटैक हो रहे हैं एंड ये फोन चोरी होने के बाद कोई सा भी फ़ोन चोरी होने के बाद आप उससे उम्मीद जीरो परसेंट की रखें बस अब आप ये उम्मीद रखें कि आप अपना डेटा किसी दूसरे बंदे को ना दे दें और ये चीज़ बैंकिंग में भी हो सकती है किसी भी फील्ड में हो सकती है मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर गया एंड मैंने नया आईफोन थर्टीन प्रो ले लिया आपने मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है दुबई से आईफोन किस तरीके से बाय कर सकते हैं वो मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि दुबई से कैसे आप एक आईफोन को परचेज कर सकते हैं बिल्कुल सेफ तरीके से ठीक है जो मिस्टेक करी है आपका किसी का आईफोन चोरी हुआ है तो वो दोबारा से मिस्टेक्स ना करें पब्लिक प्लेस में फोन को हाथ में रख लें कुछ इस तरीके से जब आप रोड पर चल रहे हो तो फोन को जेब में रख लें क्योंकि हाथ में से भी छीन के ले जाते हैं ठीक है मैं पब्लिक प्लेस जहां पे भीड़ हो जेब में से फोन निकालने की बात आती है वहां पर आप हाथ में रख लें फोन को तो इस तरीके से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं एंड आपका फोन चोरी हुआ तो मैं यही बोलूंगा कि आप उसको थोड़ी बहुत जो कोशिश कर कर सकते हैं हफ्ते दिन लगा के लीजिए अगर मिलता है तो है, नहीं मिलता है 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 तो तो ठीक नहीं आप उसको मूव ऑन करके नए फोन के खरीदने की तैयारी करिए करिए मेहनत ताकि आप एक नया फोन उससे अच्छा परचेस कर पाए मेरा चोरी हुआ था तो, तो मुझे आईफोन थर्टीन प्रो मिल गया तो इस तरीके से आप भी है, थोड़ी, 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 थोड़ी है। तो इस तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं तो सी यू